दोस्तों, वैसे तो मां बाप की अपनी औलाद पर बहुत से हकूक होते हैं, मगर आज उनमें से 35 हकूक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी हम सबको पूरे करने चाहिए। वालदैन की मौजूदगी में अपना फोन दूर रखें, उनकी बात तवज्जो से सुने, उनकी राय को मुकद्दम रखें, उनकी गुफ्तगू में शामिल रहें, उनको इज्जत से देखें, उनके साथ बदअखलाकी से बात ना करें, उनके साथ हमेशा अच्छी खबर शेयर करें, उनको बुरी खबर बताने से परहेज करें, उनके दोस्तों के बारे में अच्छी बातें करें और उनसे मोहब्बत रखें, उनकी कही हुई अच्छी बातें अक्सर याद करें, उनकी उम्र का एहतराम करें, माजी की तल्ख यादों को उनके साथ शेयर मत कीजिए, उनकी मौजूदगी में किसी दूसरी गुफ्तगू से परहेज करें, उनके सामने अदब से बैठें, उनकी राय और सोच से मुतल्लिक इख्तलाफ मत करें, जब वो गुफ्तगू करें तो उनकी बात को ना काटें, उनकी दोहराई हुई बातों को इस तरह सुने कि गोया पहली बार सुन रहे हैं, उनकी मौजूदगी में अपने बच्चों को डांटने और मारने से गरेज करें, उनके हुक्म और मशवरे को कबूल करें, उनकी मौजूदगी में सिर्फ उनसे ही रहनुमाई लें, उनके सामने अपनी आवाज को हरगिज ऊंचा ना करें, उनके सामने कभी भी खुद को बड़ा मत जाहिर करें, हमेशा उनकी इज्जत कीजिए, उनके सामने अपने आप को थका हुआ कभी भी मत जाहिर कीजिए, उनके सामने बैठते वक्त अपने पांव उनकी तरफ मत बढ़ाएं, उनकी तरफ पीठ करके मत बैठें, उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, उनकी गलती और भूल पर कभी भी मत मुस्कुराइए, उनकी ज़ियारत बराबर करते रहें, उनको मोहब्बत भरे नामों से पुकारें, उनसे बात करते वक्त बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करें, उनको हर चीज पर मुकद्दम रखें और तरजीह दें, उनसे पहले खाना कभी मत शुरू करें।